Hello friends, my name is Nargis Gupta. In last video we have discussed about the NFA to DFA conversion. In this video we have another machine. We need to convert this NFA to DFA. ये NFA है, कैसे हमको पता चला? क्योंकि यदि आप देखें Q0 से A का transition लेकर हम Q0 पर भी जा रहे हैं और Q1 पे भी जा रहे हैं, मतलब एक इनपुट सिंबल, सेम इनपुट सिंबल्स हैं, मल्टीपल स्टेट्स पर जा रहे हैं, तो वो एनएफए है। अब इस एनएफए को हमें डीएफए में कन्वर्ट करना है। तो डीएफए में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक बताई है कि सबसे पहले हम इस ट्रांजिशन डायग्राम को ट्रांजिशन टेबल में कन्वर्ट कर लें, और जब हम टेबल में कन्वर्ट कर लें तो इस टेबल से हम डीएफए की टेबल बनाना बहुत ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहली स्टेप्स कि हमारे पास जितनी भी स्टेट्स हैं, क्या क्या स्टेट्स हैं हमारे पास, Q0 स्टेट्स स्टेट है, एक Q1 स्टेट है हमारे पास और एक हमारे पास Q2 स्टेट है। इन तीनों स्टेट से हम कहां कहां पर जा रहे हैं, क्या क्या इनपुट्स लेकर। तो इनपुट हमारे पास में दो हैं, एक इनपुट हमारे पास में A है और दूसरा इनपुट हमारे पास में B है। तो A लेकर और B लेकर हम किस किस स्टेट पर मूव कर रहे हैं वो देखेंगे। तो Q0 से A लेकर हम Q0 पर भी जा रहे हैं और Q1 पे भी जा रहे हैं। Q0 से B लेकर हम Q0 पर ही जा रहे हैं। Q1 से A लेकर हम Q2 पर जा रहे हैं और Q1 से B लेकर हम Q2 स्टेट पर ही जा रहे हैं। और Q2 स्टेट से हम A और B लेकर किसी भी स्टेट पर नहीं जा रहे हैं, मतलब फाइव स्टेट, मतलब किसी भी नथिंग, फाइव मतलब नल स्टेट पर जा हम मूव कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर ट्रांजिशन टेबल में हम ये देखें कि इस डायग्राम में इनिशियल स्टेट हमारी क्या थी, उसको हम इनिशियल बना लें। इस डायग्राम में हमारी फाइनल स्टेट क्या है, उसको हम फाइनल स्टेट को रिप्रेजेंट कर लें एब्स्ट्रैक्ट से। तो ये हमारी बन गई एनएफए की ट्रांजिशन टेबल। बस विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल, जस्ट हमने डायग्राम को टेबल में कन्वर्ट किया, अब विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल हम डीएफए कंस्ट्रक्ट कर बहुत इजीली कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। नाउ डीएफए के लिए मैं टेबल बना रहा हूं यहां पर। तो डीएफए के केस में हमने ये बोला था एनएफए टू डीएफए के कन्वर्जन में कि जो भी इनिशियल स्टेट होगी एनएफए में, वही इनिशियल स्टेट हमारी किस में होगी, डीएफए में। तो एनएफए में इनिशियल स्टेट हमारी क्या है, क्यू जीरो। तो डीएफए में भी हमारी इनिशियल स्टेट हो गई क्यू जीरो। अब जो भी इनपुट्स हैं, ए इनपुट है एक हमारे पास और दूसरा इनपुट है हमारे पास में बी, तो ए और बी से हम जिस भी स्टेट पर मूव करेंगे वो हमें यहां पे लिखना है। अब क्यू जीरो से ए लेकर हम किस स्टेट पे जा रहे हैं, क्यू वन और क्यू जीरो पर। बट ये एनएफए में पॉसिबल है कि एक इनपुट से हम मल्टीपल स्टेट पर जा पा रहे हैं, डीएफए में ये पॉसिबल नहीं है। तो डीएफए में हम क्या करते हैं, क्यू जीरो को से ए लेकर हम क्यू जीरो और क्यू वन जिस स्टेट पर जा रहे हैं, इन दोनों स्टेट को मर्ज करके हम एक स्टेट बना देंगे, मतलब Q0 और Q1 अब हमारी सिंगल स्टेट हो गई, ना कि दो स्टेट। यहाँ पे कॉमा लगा है, मतलब ये सेपरेट है, ये सेपरेट है, यहाँ से हमने कॉमा हटा दिया, मतलब दोनों स्टेट्स को हमने मर्ज कर दिया। यदि आपको बेसिक्स इस सब का देखना है तो प्लीज़ वॉच माय प्रीवियस वीडियो, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में इन सब से रिलेटेड बेसिक्स मैंने डिस्कस किए हैं। नाउ Q0 से B लेकर हम कहाँ पर जा रहे हैं, Q0 पर ही हम जा रहे हैं। अब एल्गोरिथम क्या कहती है एनएफओ टू डीएफए कन्वर्जन में, कि जो भी न्यू स्टेट आती जा रही है उन न्यू स्टेट्स को इसके थ्रू हम ट्रांजिशन चेक करते जाएं, और जैसे ही न्यू स्टेट आना स्टॉप हो जाए हमारी प्रोसेस को भी हम स्टॉप कर दें। नाउ न्यू स्टेट हमारे क्या मिली अभी, Q0 और Q1, ये मेरी एक न्यू स्टेट मिली। अब Q0 से A का ट्रांजिशन लेकर हम कहाँ जा रहे हैं और Q1 से A का ट्रांजिशन लेकर हम कहाँ जा रहे हैं, ये हमें चेक करना है। तो Q0 से A का ट्रांजिशन लेकर हम Q0 और Q1 पे जा रहे हैं, Q1 से A का ट्रांजिशन लेकर हम Q2 पर जा रहे हैं। तो ये जो भी स्टेट्स हमारी आई, इन सारी स्टेट्स को हम क्या कर देंगे, मर्ज कर देंगे। तो अब हमारे पास एक न्यू स्टेट बन गई Q0, Q1 और Q2, ये मेरे पास एक न्यू स्टेट बन के आ गई। क्यों, क्योंकि Q0 से A लेकर हम Q0 और Q1 पे जा रहे हैं, Q1 से A लेकर हम Q2 पर जा रहे हैं, तो Q0, Q1 एंड Q2 बिकम्स दी न्यू स्टेट।
नाउ नेक्स्ट वन, Q0 से B का ट्रांजेक्शन देखेंगे. Q0 से B लेकर हम Q0 पर ही जा रहे हैं और Q1 से B लेकर हम Q2 पर जा रहे हैं. तो हमारे पास एक न्यू स्टेट आ गई Q0 एंड Q2. ये मेरे पास एक और न्यू स्टेट मुझे मिल गई. नाउ नेक्स्ट, आगे हम चेक करें तो Q0 Q1 हो चुका है, Q0 ऑलरेडी हो चुका है. न्यू स्टेट हमारे पास में आ गई Q0, Q1 एंड Q2. Q0, Q1 एंड Q2, ये मेरी एक न्यू स्टेट आ गई. अब इन स्टेट से हमें A का ट्रांजेक्शन देखना है. तो Q0 से A का ट्रांजेक्शन देखा तो Q0 एंड Q1 पे गए. ठीक, तो ये लिख लिया मैंने Q0 और Q1, यूनियन हो जाएगा. अब Q1 से A का ट्रांजेक्शन लेकर हम किस पे गए, Q2 पर. इससे यूनियन हो जाएगा किससे, Q2 से A का ट्रांजेक्शन लेकर हम किस पे गए, 5 पर, मतलब नल स्टेट पर. तो Q0, Q1, Q2, ये हमारे पास फिर से A के ट्रांजेक्शन में स्टेट मिली, Q0, Q1 एंड Q2, ये स्टेट हमें मिली. नेक्स्ट वन, नेक्स्ट हम देखें Q0, Q1, Q2 से B का ट्रांजेक्शन लेकर. तो Q0 से B का ट्रांजेक्शन लेकर Q0 पे जा रहे हैं, Q1 से B का ट्रांजेक्शन लेकर Q2 पे जा रहे हैं, Q2 से B का ट्रांजेक्शन लेकर हम नल स्टेट पे जा रहे हैं. तो Q0, Q2 मुझे यहां से मिल गया, Q0 एंड Q2 स्टेट मुझे यहां मिल गई. नेक्स्ट वन, अब हम फिर से चेक करें, ये वाली स्टेट हो चुकी है, अब Q0 एंड Q2 पे आते हैं हम. तो Q0 और Q2 से हम चेक करेंगे, Q0 से A का ट्रांजेक्शन लेकर हम कहाँ जा रहे हैं, Q0 एंड Q1 पे. Q0 से Q2 से A का ट्रांजेक्शन लेकर हम कहाँ जा रहे हैं, 5 पर. तो हमें क्या यहाँ पे क्या स्टेट मिल गई हमारी, Q0 एंड Q1, क्योंकि Q0 से A का ट्रांजेक्शन लेकर हम Q0 और Q1 स्टेट पर जा रहे हैं. नाउ B का ट्रांजेक्शन चेक करें, तो Q0 से B लेकर हम Q0 पे जा रहे हैं, Q2 से B लेकर हम 5 पे जा रहे हैं. तो यहां पे हमारे पास क्या स्टेट आ जाएगी, Q0. नाउ नेक्स्ट वन, ये भी अब हमारी हो गई. अब Q0, Q1, Q2 ये हमारी हो चुकी है, Q0, Q2 ये भी हमारी हो चुकी है, Q0, Q1 ये भी हो सकती है और Q0 ये भी हो चुकी है. तो दिस इज द परफेक्ट ट्रांजिशन टेबल फॉर DFA. ये DFA की ट्रांजिशन टेबल बन गई. अब इस ट्रांजिशन टेबल की हेल्प से हम इजिली ट्रांजिशन डायग्राम भी बना सकते हैं. ये NFA है तो आप DFA देखिए अब कैसे बना लेंगे हम. सो सबसे पहली स्टेट हमारे पास में क्या है, Q0. सो ये स्टेट हमने ले ली Q0. Q0 ही हमारी इनिशियल स्टेट थी तो DFA में भी Q0 इनिशियल स्टेट हो गई. Q0 से A लेकर हम एक न्यू स्टेट पर गए जिस स्टेट का नाम है Q0 एंड Q1. So, A लेकर हम कहां चले गए, Q0 एंड Q1 पे. और Q0 से B लेकर हम कहां पे चले गए, Q0 पे ही चले गए. तो ये हमारा डायग्राम ऐसा पहले वाले ट्रांजिशन के लिए हो गया. नाउ Q0 Q1 से A लेकर हम एक न्यू स्टेट पर गए जिस स्टेट का नाम है Q0, Q1 एंड Q2. A लेकर हम यहां पे आ गए. Now, Q0, Q1 से B लेकर हम Q0 और Q2 पे चले गए. तो Q0, Q1 से B लेकर हम एक न्यू स्टेट पे चले गए जिसका नेम है अपना Q0 एंड Q2 स्टेट. Now, next one, Q0, Q1, Q2 इस स्टेट से A लेकर हम कहां पे जा रहे हैं, इसी स्टेट पर आ रहे हैं. तो सेल्फ लूप लगा दिया हमने. Q0, Q1, Q2 से B लेकर Q0 और Q2 पर जा रहे हैं. तो B लेकर हम आ गए Q0 एंड Q2 पर. नेक्स्ट वन, अब आते हैं हम यहां पर. तो Q0 और Q2 से A लेकर हम Q0 और Q1 पे जा रहे हैं. तो Q0 Q2 से A लेकर हम Q0 और Q1 पे चले गए. Q0 Q2 से B लेकर हम कहां पे आ गए, हम B लेकर आ गए हम Q0 स्टेट पर. सो दिस इज द ट्रांजिशन डायग्राम. अब हम चेक कर लें क्या ये हमारा DFA है. सो DFA है तो सबसे पहले Q0 से A और B का ट्रांजेक्शन हो रहा है, यस. Q0 Q1 स्टेट से A और B का ट्रांजेक्शन हो रहा है, यस. Q0 Q1 Q2 से A और B का ट्रांजेक्शन हो रहा है, यस. Q0 Q2 से A और B का ट्रांजेक्शन हो रहा है, यस. मतलब हर एक स्टेट से A एंड B दोनों का ट्रांजेक्शन हो रहा है. तो दिस इज अ परफेक्ट DFA फॉर दिस NFA. Now this is all about this question. In next video we will discuss another type of question based on a NFA to DFA conversion. Thank you so much.